सोलन में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के चेयरमैन धर्मपाल चौहान ने की। इस बैठक में जिला परिषद के चुने हुए प्रतिनिधियों और मुख्य विभाग अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिला में विकासात्मक कार्यों को लेकर 62 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं लंबित पड़े कार्यों को लेकर प्रतिनिधियों ने रोष प्रकट भी किया। अधिक जानकारी देते हुए जिला परिषद के चेयरमैन धर्मपाल चौहान ने कहा कि बैठक में विकासात्मक कार्यों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ प्रतिनिधियों ने लंबित पड़े कार्यों को लेकर एतराज भी जताया, जिन कार्यों को विभाग के अधिकारियों ने जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यों में औपचारिकताएं पूरे न होने की वजह से देरी हो रही है, लेकिन ये देरी भविष्य में न हो इसके लिए विभागों को जल्द औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ ऐसे मद हैं जिसमें काफ़ी देर से, जिसमें जैसे गिफ्ट डीड किसी की नहीं बनी PWD से संबंधित, या एक जैसे इरीगेशन से संबंधित था जिसमें पानी की उपलब्धता उस स्रोत में नहीं है, उसके कारण वो काम नहीं हो पाया। अभी डिपार्टमेंट ने, अभी 2-2.5 साल इस क्वेश्चन को हो गए, आज डिपार्टमेंट बोल रहा है कि उसमें बांध की आवश्यकता है। ये डिपार्टमेंट की अनदेखी है। ज़्यादातर जो मद निपटाने लायक है, जहाँ किसी ने मतलब गिफ्ट डीड नहीं दी, उसके कारण कुछ मद हैं, तो माननीय सदस्यों को ये बोला गया कि उनकी हेल्प करें डिपार्टमेंट की। जहाँ विभागीय कार्यवाही है, मान लो JEE की है, या कोई किसी भी क्षेत्र में कोई DPR बननी है या एस्टीमेट बनना है, उसके लिए हम BDOs को कि इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से कमी है या हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। जो भी विभागीय कार्यवाही जिसके प्रति बनती होगी, हम सुचारू रूप से विभागीय कार्यवाही करेंगे। वहीं उपस्थित जन प्रतिनिधियों ने जिला परिषद की बैठक को निरर्थक बताया और कहा कि बैठक में उन मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है जिनके लिए कोई बजट भी नहीं है, इसीलिए इन मुद्दों पर चर्चा करना व्यर्थ है। इसीलिए जिला परिषद को चाहिए कि वह पहले बजट का प्रावधान करें और फिर उस पर चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग बेहद सुस्त रवैये के साथ काम कर रहे हैं, यही कारण है कि कार्यों में बेहद निलंबन हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें जनता के रोष का सामना करना पड़ता है। जिला परिषद की बैठक जिसमें एक बड़े मुद्दे जो होते हैं, जिसमें जो जिसे जनता प्रभावित होती है, उन मुद्दों पे मैं नहीं समझता कि हमारे अधिकारी कोई संजीदगी के साथ काम कर रहे होते हैं। जहाँ पे जनता के कोई काम होने, वहाँ पे बजट की समस्याएं सामने खड़ी कर दी जाती हैं और सदस्यों का मुंह वहाँ पे बंद कर दिया जाता है। भाई इतना स्लो प्रोसेस में डिपार्टमेंट ना काम करे, क्योंकि हम भी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आए हैं, हमें भी पब्लिक के भी जाना है, उन्हें समझाना है कि क्या जेन्युइन वजह है। हम डिपार्टमेंट से ये चाहते हैं कि अगर उनकी कोई मजबूरी है, कोई वजह है, तो वो हमें बताए। अगर कोई कागजी कार्रवाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है जो हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में उनसे जानना चाहते हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो एक्चुअली प्रायोरिटी पे हम लोगों ने एजेंडे उठाए हैं, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए।